गाइज अब सभी का कमेंट आ रहा था कि भाई इंस्टाग्राम जैसे फोटो एडिटिंग करना सिखाओ। इंस्टाग्राम पे इस तरह का एडिटिंग आपने देखा ही होगा, इस तरह का एडिटिंग इंस्टाग्राम पे बहुत ही ज्यादा वायरल होता है और आपको भी कुछ इस तरह का ही एडिटिंग करना है तो भाई इस वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना होगा। हेलो गाइज, मेरा नाम है पवित्र और आप देख रहे हैं पवित्र फोटोग्राफी। तो गाइज चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन करो। वहाँ पे मैं प्रीसेट बैकग्राउंड पीएनजी सब कुछ देता हूँ, पर डे अपलोड करता हूँ। आपको भी प्रीसेट बैकग्राउंड चाहिए तो जल्दी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। तो गाइज सबसे पहले आपको आपके फ़ोन के अंदर लाइटरूम ऐप को ओपन करना है और गाइज यहाँ पे देख सकते हो मैं लाइटरूम ऐप को ओपन कर लिया हूँ। यहाँ पे देख सकते हो एक नॉर्मल फोटो को भी ओपन किया हूँ, ठीक है। ये आपका भाई का ही फोटो है, थोड़ा सपोर्ट दिखाना पड़ेगा आपको, ठीक है। देख सकते हो गाइज एकदम नॉर्मल फोटो है और उसके साथ गाइज ये वाला प्रीसेट को भी ऐड किया हूँ। ये वाला प्रीसेट का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो गाइज प्रीसेट को ओपन करने के बाद ऊपर आपको 3 डॉट पे क्लिक करके आपको कर देना है कॉपी सेटिंग्स। गाइज कॉपी सेटिंग्स करने के बाद ऊपर राइट वाला ऑप्शन पे राइट कर दो और आपका जो नॉर्मल फोटो है नॉर्मल फोटो पे क्लिक करके ऊपर 3 डॉट दिख जाएगा, आपको कर देना है पेस्ट सेटिंग्स। थोड़ा टाइम लेता है देख सकते हो। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो फोटो एडिटिंग एक क्लिक के अंदर कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा, यहाँ पे जैसे कि बिगनेट को थोड़ा सा देना है, मिड पॉइंट को भी थोड़ा सा दे देना है, ठीक है। गाइज इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे शेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करके फोटो को शेयर करके लेकर जाना होगा पिक्सआर्ट ऐप के अंदर। और गाइज फोटो पिक्सआर्ट ऐप के अंदर ओपन होने के बाद यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर आप जो भी रखना चाहते हो आप उसको ऐड करना होगा। उसको ऐड करने के लिए गाइज यहाँ पे आपको एफएक्स पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइज यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन खुल के आ जाएगा तो आपको सिंपली यहाँ पे कलर्स पे क्लिक कर देना है और उसके बाद गाइज यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे क्लिक करते ही एक प्लस वाला आइकन आ गया है। यहाँ पे बस आपको क्या करना है, बैकग्राउंड का किसी भी एक कलर के ऊपर छोड़ देना है जिसका कलर को आप चेंज करना चाहते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली ये वाला ग्रीन कलर रखूँगा और गाइज इसके साथ देख सकते हो ड्रेस के ऊपर भी ये वाला कलर आ रहा है। तो इसके लिए गाइज आपको इरेजर पे क्लिक करके आपको यहाँ पे बैकग्राउंड का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है तो यहाँ पे ये वाला कलर सिर्फ बैकग्राउंड पे ही रहेगा, देख सकते हो गाइज यहाँ से आपको राइट कर देना है, देखो। और गाइज यहाँ पे आपको और एक ट्रिक आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप फेस को गोरा करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। बस यहाँ पे आपको रिटच पे क्लिक करके यहाँ पे एक स्किन टोन का एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको। यहाँ पे गाइज आप देख सकते हो, यहाँ पे गाइज जैसे ही क्लिक करोगे किसी भी एक कलर को सिलेक्ट करो और ऑटो पे क्लिक कर दो, ऑटोमेटिक फेस का कलर को भाई चेंज कर देगा, मतलब गोरा कर देगा थोड़ा सा। तो गाइज मैं इतना रखता हूँ, देखो बिफोर एंड आफ्टर आपको दिखा देता हूँ, बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। गाइज इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से गाइज फोटो को सेव करके फोटो को लेकर जाना होगा ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप के अंदर फेस को स्मूथ करने के लिए। गाइज ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप के अंदर फोटो ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको पेंसिल वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे गाइज देख सकते हो बहुत सारा ब्रश आपको मिल जाएगा। फेस को स्मूथ करने के लिए यहाँ पे ये वाला ब्रश आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे गाइज सिलेक्ट करने के बाद सेटिंग को आपको इतना रखना है, यहाँ पे फ्लो आपको रखना है 3%, स्ट्रेंथ आपको रखना है 8% और साइज आप आपका मुताबिक रख सकते हो, ठीक है। इतना सेटिंग रखने के बाद नीचे एक कट वाला ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे कट कर देना है और आपका फेस को जूम करके कुछ इस टाइप से आपको चलाना है, ठीक है। गाइज देख सकते हो यहाँ पे फेस स्मूथ हो रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो फेस को बहुत ही बढ़िया तरीके से स्मूथ कर लिया हूँ। और गाइज फोटो को और भी अट्रैक्टिव दिखाने के लिए यहाँ पे आप ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करो और इनपुट इमेज पे क्लिक करके एक पीएनजी को ऐड करना होगा। गाइज यहाँ पे ये वाला लाइट पीएनजी को ऐड करने के बाद यहाँ पे राइट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दो, लेयर पे क्लिक करके यहाँ पे लाइट वाला लेयर को सिलेक्ट करना है। नॉर्मल पे क्लिक करके आपको करना है स्क्रीन, यहाँ पे लाइटन भी कर सकते हो तो मैं स्क्रीन करूंगा। तो यहाँ पे गाइज फिर से यहाँ पे क्लिक करके आपको ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको दे देना है, ठीक है। गाइज देखो फोटो एडिटिंग तो भाई बहुत ही बढ़िया लग रहा है, ठीक है। ये वाला फोटो को सेव करने के लिए ऊपर आपको 3 डॉट पे क्लिक करके आपको शेयर पे क्लिक करना है और आपको कर देना है सेव टू डिवाइस। और इसी तरह का और भी एडिटिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पास में जो बेल आइकन है उसे भी ऑन कर लो। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।